आखिर कौन थे ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पिता? दोस्तों, क्या आप जानना चाहते हैं कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पिता आखिर कौन थे? अगर आप जानना चाहते हैं तो जुड़े रहिए हमारे इस वीडियो से। दोस्तों, आपका स्वागत है इंडियन माइथोलॉजी चैनल में, जहां हम आपको बताएंगे इंडियन माइथोलॉजी, ग्रीक माइथोलॉजी, भारतीय संस्कृति तथा उससे जुड़े देवी देवताओं के बारे में, इंडियन माइथोलॉजी से जुड़े बहुत से अनसुलझे रहस्यों के बारे में, जिसे सुनकर आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। तो आइए दोस्तों, जानते हैं कि आखिर कौन थे ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पिता। आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आप अपने विचार हमारे वीडियो के नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं। आइए दोस्तों, जानते हैं कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पिता कौन थे। हिंदू धर्म में हम हमेशा से ही त्रिदेव यानी कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश को सर्वोपरि और निराकार परमात्मा मानते आए हैं, जिनके ऊपर कोई नहीं है। जबकि वेदों की बात करें तो उनके अनुसार जिसने जन्म लिया हो या प्रकट हुआ वो ईश्वर नहीं हो सकता है। हमारे कहने का तात्पर्य ये बिल्कुल नहीं है कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश सर्वोपरि नहीं है। हम तो बस इस बात को जानना और समझना चाहते हैं कि क्या इनसे भी सर्वोपरि कोई है जिन्होंने ब्रह्मा, विष्णु और महेश को जन्म दिया या यूं कहें कि अवतरित किया हो। दोस्तों, अगर शिव पुराण की बात करें तो ब्रह्मा को अविकारी परमेश्वर माना गया है। शिव पुराण के अनुसार जब इस संसार की उत्पत्ति भी नहीं हुई थी, उस समय तत्सत ब्रह्मा ही थे, ना तो ब्रह्मा थे, ना विष्णु और ना ही महेश। तत्सत यानी कि अविनाशी परमात्मा। कहते हैं कि काल के बाद तत्सत ब्रह्मा की एक से अनेक होने की इच्छा हुई। वो पर ब्रह्मा सदाशिव हैं। उस सदाशिव ने शक्ति की दृष्टि की जो उनके अंग से अलग होने वाली नहीं थी। सदाशिव की उस शक्ति को विकार रहित बताया गया है। भगवान सदाशिव की उस शक्ति को अंबिका कहा गया है। कहा जाता है कि देवी अंबिका ने ही लक्ष्मी, सावित्री और पार्वती के रूप में जन्म लेकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश से विवाह किया और उस काल रूप सदाशिव की अर्धांगिनी है दुर्गा। कहते हैं मोक्ष के स्थान काशी में शक्ति और शिव अर्थात सदाशिव और दुर्गा पति और पत्नी के रूप में निवास करते हैं। एक बार शिव और शिवा की किसी दूसरे पुरुष की उत्पत्ति करने की इच्छा हुई, जिसके बाद परमेश्वर रूपी शिव ने अपने वामांग पर अमृत मलकर एक पुरुष को प्रकट किया और उनका नाम विष्णु रखा। शिव पुराण के अनुसार भगवान विष्णु को प्रकट करने के बाद अपने दाहिने अंग से ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया और विष्णु के नाभि कमल में डाल दिया। इस प्रकार उस कमल के पुत्र के रूप में ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। इस प्रकार ब्रह्मा से सदाशिव, सदाशिव से दुर्गा और दुर्गा सदाशिव से ब्रह्मा, विष्णु और महेश। इससे हमें यही पता चलता है कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पिता काल रूपी सदाशिव हैं। दोस्तों, ये था हमारा वीडियो जिसमें हमने आपको बताया कि आखिर कौन थे ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पिता। अगर आपको ये हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आप हमारे चैनल इंडियन माइथोलॉजी को सब्सक्राइब कीजिए तथा अपने कमेंट हमारे वीडियो के नीचे जरूर लिखें। जुड़े रहिए इंडियन माइथोलॉजी से।